हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर 1 क्लास 8 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये कोरोडोवा पब्लिकेशन की बुक है, उसमें से हम लोग रेफ़र कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है इसका इंट्रोडक्शन, जो यहाँ से हम लोग कवर करने वाले हैं। ये स्टार्टिंग बिगिनिंग इंट्रोडक्शन की रहेगी। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि फूड जो है हमारी बेसिक नेसेसिटी है लाइफ के लिए। मतलब हर जीव जंतु को जीने के लिए जो सबसे मूलभूत आवश्यकता होती है वो किस चीज़ की है? फूड की। अमंग ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। इसमें बताया गया है कि सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल एंड ह्यूमन सब हम जो हैं डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए प्लांट्स के ऊपर। टू प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन, परंतु लार्ज पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए उसको प्रॉपरली मैनेज करना और उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना सही तरीके से बहुत ज़रूरी है। 10,000 BC तक जो थे नोमैडिक पीपल, एक जगह से दूसरी जगह अपने खाने की खोज में घूमते रहते थे। ठीक है, फ्रॉम फॉरेस्ट प्लांट दे एट फ्रूट्स एंड रॉ मटेरियल वेजिटेबल फॉरेस्ट प्लांट्स एंड 100 एनिमल फॉर फूड। वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते थे, रॉ वेजिटेबल खाते थे जंगल से, और जानवरों का शिकार करते थे अपने भोजन के लिए। लेटर क्या हुआ, पीपल लर्न फार्मिंग एंड कल्टिवेटेड वीट, राइस एंड अदर फूड क्रॉप्स। बाद में ह्यूमंस ने जो था गेहूं फसलें उगाना सीखा, एंड साथ ही साथ उन्होंने एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट किया, उनको पालतू बनाया ताकि वो उनसे अपना रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें, जो कि क्या क्या है, फूड रिक्वायरमेंट्स और अदर फिजिकल वर्क उनसे लिया जा सके। दिस मार्क्ड अ न्यू एरा इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस। फ्रॉम गुड गैदरर्स दे टर्न इनटू फूड प्रोड्यूसर्स। तो इस तरह से जो है इंसान फूड गैदरर मीन्स खाना इकट्ठा करने से लेके अब वो क्या बन गया, फूड प्रोड्यूसर बन गया। पहले वो खाना सिर्फ भोजन जो था अपना इकट्ठा करता था, परंतु अब वो क्या है, खाना या भोजन अपना जो है वो खुद उत्पादन करने लग गया, यानी कि पैदावार करने लग गया, खुद गेहूं फसल दाल चावल आदि वो उगाने लगा। तो नेक्स्ट हेडिंग है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर इज एन अप्लाइड साइंस दैट डील्स विद द मास प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड एनिमल्स यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स। फर्स्टली तो ये क्लियर कर लीजिए बच्चों कि एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ खेती करना नहीं है, इसका मतलब है मास प्रोडक्शन। मीन्स एक ऐसी साइंस जो किससे डील करती है, मास प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, मतलब जिसमें जो है क्रॉप प्लांट्स बहुत बहुतायत मात्रा में उगाए जाएं और साथ ही साथ क्या किया जाए, एनिमल यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स उनको भी पालना इसी में आता है। ठीक है, बिसाइड क्रॉप प्रोडक्शन सेवरल अदर रिलेटेड एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फिशिंग सेरिकल्चर कम विद इन द परव्यू ऑफ एग्रीकल्चर। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली। टू फुलफिल द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ सच अ लार्ज पॉपुलेशन इंक्रीज प्रोडक्शन प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इनकी फूड नीड्स को पूरा करने के लिए उसको प्रॉपरली मैनेज करना और डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, शहरों में रहने वाले लोग खुद खेती नहीं कर रहे हैं परंतु उन तक खाना पहुँच रहा है, तो ये किसके थ्रू हो रहा है, क्योंकि खाने को प्रॉपर मैनेज किया जा रहा है। जो गेहूं पैदा होती है अगर उसे सही से स्टोर ना किया जाए तो किसानों के घर पे रखे रखे वो तो ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए उसके लिए जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती है, फूड FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, वो खाने को या गेहूँ जो है उनसे लेके उसको स्टोर करती है और हमारे तक पहुँचाती है। नेक्स्ट है क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स। प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रोन एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल आर कॉल्ड क्रॉप। बहुत ध्यान से समझिए, सेम काइंड के प्लांट जब एक प्लेस पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में उगाए जाएं उसी को क्या कहा जाता है, क्रॉप कहा जाता है, समझे। तो किसी एक को प्लांट को उगाना हम लोग क्रॉप नहीं कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने गमले में जो है कोई थोड़ी सी गेहूं लगा ली मान लीजिए, तो वो एक क्रॉप नहीं है,
वो हम कुछ पौधे लगा रहे हैं, लेकिन यही क्रॉप अगर खेतों में की जाए, बहुत बड़े लेवल पे की जाए, तो वो क्या कहलाएगी, तब उसको क्रॉप कहा जाता है। सिंगल जो उगाते हैं वो प्लांट्स होते हैं, लेकिन यही प्लांट बल्क में बहुत ज़्यादा एक साथ उगाए जाएं तो वो क्रॉप कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रॉप ऑफ वीट मीन्स, जैसे कि वीट, गेहूँ से क्या मतलब है, गेहूँ से यहाँ क्या मतलब है, ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर वीट। जैसे कि अगर कहीं पे गेहूँ उगाई जाए तो मतलब वहाँ पे सारी ही जगह क्या उगाई जा रही है, गेहूँ उगाई जा रही है उस पूरे के पूरी लैंड पे, ज़मीन पर। द प्रोडक्ट ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट इज़ कॉल्ड क्रॉप प्रोड्यूस। तो इस तरह से जो पौधे लगाए जाते हैं उनसे जो हमें चीज़ मिलती है उसे क्या कहा जाता है, क्रॉप प्रोड्यूस। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है